हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में, तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाय अमित पब्लिकेशन से। आज हम एक बहुत ही प्यारा सा एक करवा रहे हैं पाठ 5, और ये एक कविता है और इस कविता का शीर्षक है दिए का अभिमान। बच्चों, उपर्युक्त चित्रों में इन चीज़ों को दिखाया गया है जिनसे हमें प्रकाश मिलता है, जैसे मोमबत्ती है, दिए हैं, ये लाइट्स हैं, और यहाँ पे भी कुछ बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव दिए बने हुए हैं, है ना। आपके यहाँ प्रकाश किससे होता है? आप दीपावली में रात्रि के समय मिट्टी के दीपक और रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ जलाते होंगे। आजकल बाज़ार में तरह तरह के दीपक उपलब्ध हैं, तो आप कैसे दिए जलाते हैं, कैसे दीपक जलाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर डिस्कस करना। कविता प्रवेश। बच्चों, कुछ लोगों को अपने कार्यों की महानता को लेकर बहुत घमंड होता है। वे सोचते हैं कि उनके द्वारा किया गया कार्य दूसरों के लिए बहुत अच्छा है। वे दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। घमंड या अभिमान करने का परिणाम बुरा ही होता है। आइए शुरू करते हैं। ये देखो, ये दिया है। आज हम जो करने जा रहे हैं कविता पाठ, वो दिए की ही कविता है। जलते जलते दिए को ये हो गया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। अरे, दिए को ये अभिमान हो गया कि मैं तो सूरज और चंद्रमा से भी ज़्यादा महान हूँ, मैं उनसे भी ज़्यादा महान हूँ। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात के अंधकार का मैं ही करता नाश। सूरज तो सिर्फ दिन में प्रकाश कर देता है, रात को तो मैं जलता हूँ। इतने में ही लगा हवा का हल्का झोंका एक, सिर नीचा हो गया, बुझ गया रही धुएं की रेख। तब तक क्या आया? एक हवा का झोंका आया और वो धुएं का जो था, जो दिया था, वो बुझ गया। और एक धुएं की एक रेखा सी आ जाती है ना, जैसे बुझता है तो वो धुएं की रेख। अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। कभी भी हमें कोई भी कार्य करना हो तो हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम हमेशा गलत होता है। तो ये थी हमारी आज की कविता, जिसकी रचयिता थे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, जिन्होंने इतनी अच्छी कविता लिखी। उसके कवि का नाम है श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। और अब हम करेंगे इसके कठिन शब्द। अभिमान, झोंका, चंद्र, धुएं, महान, अहंकार, प्रकाश, दुष्परिणाम, अहंकार और अभिमान कठिन शब्द हैं। अभी हमने करे थे, और अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? अब हम करने जा रहे हैं शब्दार्थ। अभिमान का अर्थ घमंड, चंद्र का अर्थ चंद्रमा, प्रकाश का अर्थ उजाला, अंधकार यानी अंधेरा, नाश यानी नष्ट होना, रेख यानी रेखा, और दुष्परिणाम का अर्थ होता है बुरा परिणाम। और इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हमसे पूछा है रात के अंधकार का नाश कौन करता है? रात के अंधकार का नाश कविता के हिसाब से हमारा एक जलता हुआ दिया। दिए का सर नीचा कैसे हो गया? जैसे ही हवा का एक झोंका आया, दिया बुझ गया और दिए का सर नीचे हो गया। सूर्य का प्रकाश हमें कब मिलता है? सूर्य का प्रकाश हमें दिन में मिलता है। प्रस्तुत कविता से आपको क्या शिक्षा मिली? प्रस्तुत कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी अपने किसी भी कार्य पर, हमने जो भी कार्य किया उस पर हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। और अब हम करने जा रहे हैं सही विकल्प पर, हमें सही का चिन्ह लगाना है। दिया रात में किसका नाश करता है? दृष्टि का, अंधकार का, उजाले का या चांद का? दिया करता है अंधकार का। अभिमान हो गया दिए को, चंद्रमा को, सूर्य को या तारों को? अभिमान हो गया दिए को। हवा के झोंके ने दिए का नीचा किया, आँख, सिर, पैर या हाथ? नीचा किया सिर। हमें अपना काम कैसे करना चाहिए? लापरवाही से, अभिमान के साथ, बिना अभिमान के, या इसमें से कोई नहीं? हमें अपना कार्य बिना अभिमान से ही करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए।
और अब हम करने जा रहे हैं कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। हमें कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करनी है बच्चे, जो मैंने कर दी हैं। सूरज था तो हमने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ प्रकाश, तो सूरज तो करता है प्रकाश, मैं ही करता नाश, इतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका एक, सिर नीचा हो गया बुझ गया रही धुएं की रेख। ये रेख यहाँ था तो इसके यहाँ पे स्पेस नहीं था, जगह नहीं थी, तो मैंने यहाँ लिख दिया है सिर नीचा हो गया बुझ गया रही धुएं की रेख। तो ये हमने किया कविता की पंक्तियों को, और अब है वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। सूर्य और चंद्रमा को अपनी महानता का अभिमान हो गया, जी नहीं गलत, हवा के हल्के से झोंके से दिया बुझ गया, सही, अहंकार का सदा बुरा परिणाम होता है, बिल्कुल सही, दिए का सर नीचा हो गया, जी हाँ ये भी सही, रात के अंधकार को दिया ही दूर करता है, जी हाँ ये भी सही। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। सूर्य और चंद्रमा को अपनी महानता का अहंकार हो गया था, जी नहीं उन्हें अहंकार नहीं हुआ था, हवा के हल्के झोंके से ही दिया बुझ गया, जी हाँ बिल्कुल हवा के हल्के झोंके से ही दिया बुझ गया था, अहंकार का सदा बुरा परिणाम होता है, जी हाँ अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, उसका बुरा परिणाम होता है, दिए का सर नीचे हो गया, बिल्कुल सही, दिया का सर नीचे हो गया था, और रात के अंधकार को दिया ही दूर करता है, रात का जब अंधकार होता है तो दिया ही उस जब जलाते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है। और अब हम जा रहे हैं उचित मिलान, अब हमें उचित मिलान करना है। दिए को हुआ अधिक महान प्रकाश, दुष्परिणाम अहंकार या सिर नीचा, दिए को हुआ अहंकार से हमने इसको मिला दिया। उसके बाद है सूर्य चंद्र से अधिक महान प्रकाश दुष्परिणाम, जी हाँ सूर्य चंद्र से अधिक महान से हमने इसको मिला दिया। फिर है हवा के झोंके ने प्रकाश दुष्परिणाम सिर नीचे किया, हवा के झोंके ने को हमने मिला दिया, सिर नीचे किया। सूरज करता प्रकाश, सूरज प्रकाश करता है तो हमने प्रकाश से मिला दिया। और अहंकार का क्या होता है, हमेशा अहंकार का दुष्परिणाम होता है, परिणाम बुरा होता है, तो अहंकार को हमने दुष्परिणाम से, और इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने इनके उचित मिलान कर दिए। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। प्रस्तुत कविता के रचयिता हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। दिए को किस बात का अभिमान हो गया था, दिए को अभिमान हो गया था कि सूरज तो दिन में प्रकाश करता है, रात को तो मैं ही करता हूँ, तो सूरज दिए को इस बात का अभिमान हो गया था। सूरज के निकलने पर क्या होता है, सूरज के निकलने पर जो है चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, रोशनी ही रोशनी होती है, सूर्य की किरणें पूरे जगत को रोशनी से किरणें फैला देती हैं। दीपक कैसे बुझ गया, एक हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करो। अहंकार कभी भी बच्चों अहंकार नहीं करना चाहिए, अगर हम अहंकार करेंगे, घमंड करेंगे, हमें लगा कि हमारी वजह से ही हो रहा है, तो वो कभी भी उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, हमेशा उसका परिणाम बुरा ही होता है, और घमंड हमेशा टूटता है, इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, तो इसके परिणाम कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। तो इसके साथ हमारा ये आज की कविता, शिक्षाप्रद कविता, यही समाप्त होती है, और मैं आशा करती हूँ इस कविता से आपने भी कुछ शिक्षा अवश्य ही ग्रहण की होगी। तब तक के लिए आभार।